टेक स्टेप्स की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिलर ऐप में आप अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं ट्रिलर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ट्रिलर ऐप में आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए आपको ट्रिलर ऐप में अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है। अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं ये वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस लिंक से आप जान सकते हैं कि ट्रिलर ऐप में अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है। तो देखिए दोस्तों, बॉटम में मेन्यू है जिसमें आखिरी ऑप्शन है अकाउंट का। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं, तो मैं इसमें जैसे ही टैप करूंगा तो मैं अपने प्रोफाइल में चले जाऊंगा। प्रोफाइल एडिट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल का बटन है, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप अपनी प्रोफाइल पिक या डीपी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इमेज बनी हुई है जिसमें एक कैमरा का आइकन है, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा टेक न्यू फोटो या चूज एग्जिस्टिंग फोटो। आप नई फोटो लेकर आप डीपी सेट करना चाहते हैं ट्रिलर ऐप में तो टेक न्यू फोटो पे टैप कर दीजिएगा, और गैलरी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो चूज एग्जिस्टिंग फोटो पे टैप कर दीजिएगा। मैं चूज एग्जिस्टिंग फोटो पे टैप करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी एक फोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक फोटो एडिटर मिल जाएगा जिसमें आप फोटो को अपने हिसाब से एडिट कर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर डन है, इस पर आप टैप कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ट्रिलर ऐप में आप अपनी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो नेम में देखिए जहाँ नॉट स्पेसिफाइड लिखा या आपका जो भी नाम है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी यहाँ वासु टाइप कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो यूजर नेम पे टैप कर दीजिए। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर यूनिक का मतलब है कि कोई और ये यूजर नेम यूज ना कर रहा हो। अगर ऑलरेडी यूज में होगा तो आप वो यूजर नेम यहाँ पर अपने लिए यूज नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए ईमेल आईडी के सामने जहाँ नॉट स्पेसिफाइड लिखा है उस पर टैप कर दीजिए। वहां पर आप जो भी ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बायो आप ऐड करना चाहते हैं तो बायो के सामने एंटर है बायो, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ मैक्सिमम 140 कैरेक्टर्स का आप बायो ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको फिलहाल समझाने के लिए यहाँ पर बायो में अपने हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। चेंजेस को सेव करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पे ओके का बटन है, इस पर टैप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया। इस तरह से देखिए दोस्तों, आप मैक्सिमम 140 कैरेक्टर का बायो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कवर इमेज आप देखिए दोस्तों, कवर इमेज सेट करना चाहते हैं, यानी प्रोफाइल पिक्चर के पीछे जो बैकग्राउंड में एक बड़ी सी इमेज होती है उसे हम कवर इमेज कहते हैं, वो सेट करना चाहते हैं तो कवर इमेज पे टैप कर दीजिए। फिर से आपसे टेक न्यू फोटो चूज एग्जिस्टिंग फोटो पूछेगा। आप नई फोटो खींचकर सेट करना चाहते हैं तो टेक न्यू फोटो पे टैप कर दीजिए। अगर आप गैलरी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो चूज एग्जिस्टिंग फोटो पे टैप कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए वापस से मैं कृष्ण जी की फोटो ही को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, वापस फोटो एडिटर में ओपन हो जाएगी। आपको जितनी फोटो ऐड करनी है इस तरह से आप सेलेक्ट कर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर देख सकते हैं डन का बटन है, इस पर टैप कर दीजिए। तो देखिए, कवर इमेज सेट होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आपने चेंजेस कर लिए हैं, जो भी आपका नेम, यूजर नेम, ईमेल, बायो, इंस्टाग्राम आईडी और उसके बाद कवर इमेज या अकाउंट प्राइवेट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने चेंजेस करने थे अगर आपने कर लिए तो उसके बाद देखिए टॉप राइट कॉर्नर पर चेंजेस को सेव करने के लिए डन लिखा हुआ है, इस पर आप टैप कर दें। मैं टैप करता हूं डन पे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप टैप करेंगे जो भी चेंजेस किए हैं आपके प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। जैसे कि देखिए, जो मैंने डीपी सेट की थी वो आ गया है, उसके बाद जो कवर फोटो सेट की थी वो आ गया है, जो मेरा नाम है, जो मैंने बायो सेट किया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने शानदार तरीके से सेट हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से ट्रिलर ऐप में आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।